ये देखो बेटा, सबसे पहले अपने को ये ज्ञात करना, तो सबसे पहले ये कोण ज्ञात करेंगे। और ये देखो बेटा सीधी रेखा, सीधी रेखा में बनने वाला कोण होता है 180। 180 में से बेटा ये 115 क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाओ देखो, 5 10 में से 5 गया 7 में से, ये तो ये कोण आ जाएगा बेटा कितने डिग्री का, 65 डिग्री का। और फिर बेटा अपने जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, यह ध्यान रखना। अब त्रिभुज के तीन कोण हो गए बेटा, देख, एक हो गया x, दूसरा हो गया 30 और तीसरा जो हमने अभी ज्ञात किया 65, ये देखो, और बराबर कितना है बेटा, 180। ये x 30 और 65 हो गया बेटा 95 बराबर 180। तो x का मान आ जाएगा 180 माइनस 95। घटाओ बेटा, 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 17 बचे, 17 में से 9 गए 8। तो इस तरह करना है, तो वही तरीका बेटा। ये देखो सीधा लाइन बाहर बना हुआ कौन है, और मैंने बताया था वैसे भी ठीक है ये चीज, और वैसे भी कर सकते हो जो अपने दूसरा नियम। तो अभी मैं यही नियम बता रहा हूँ, फिर बाद में दूसरा बताता हूँ बेटा। तो ये देखो बेटा 180 लाइन है, 180 में से 110 घटाइए कितने डिग्री का बन गया, 70 का। तो ये अंदर वाला आ गया 70 का। अब बेटा वही तरीका, सभी कोणों का जोड़, तो x 70 70 और बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बेटा, 180। 70 और 70 हो गया 140 बराबर 180। x बराबर 180 माइनस 40, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 40 डिग्री। ये देखो बेटा कितने डिग्री हो गया, 90। ठीक है, तो पहले ये ज्ञात करेंगे, 180 में से 125 घटाओ बेटा 5, 7 में से 5, यह आ गया बेटा 55 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, x बराबर 5 और 9 और 5 14 बेटा 180। अब x 145 को उधर ले जाओ, 180 में से 145 गया, x बराबर 10 में से 5, 17 में से 14 कितने डिग्री का बेटा, 35। इसी तरह देखो ये ज्ञात करेंगे, 180 में से 120 घटाओ देखो 60 डिग्री। फिर बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, x प्लस 120 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60। तो ये तरीका है अपना दूसरा तरीका। और एक तरीका मैंने बताया था आप लोगों को जानो, तो क्या बताया था बेटा, ये जो है अपने अभी पहले प्रश्न में किया था अपने, 115 है, ये है बेटा 30 और ये है x। तो क्या बताया था मैंने दूसरा, ये पहला मैंने पहला तरीका बता दिया था, अब दूसरा बताया बेटा। अब इसी प्रश्न को पहले की तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, 22 कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखो तो x प्लस 30 का जोड़ किसके बराबर होगा, 115 के बराबर होगा। तो x बराबर 115 माइनस 30, तो x का मान आ गया देखो बेटा कितना डिग्री, 85। ये था देखो 85। तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों के हिसाब से भी कर सकते हो, और 22 कोण अंतराभिमुख कोणों का योग बराबर करते हुए भी प्रश्न को हल कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं बेटा, कोई भी तरीके से आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हो।